राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट पीछे मुड़ लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट पीछे मुड़ लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट जवान पीछे घूम लेफ्ट राइट लेफ्ट जवान दाएं घूम जवान सावधान जवान सैल्यूट मार मजा आ गया। क्या मजा आ गया? घर में नमक खत्म हो गया है। सब्जी में नमक नहीं डालूंगी ना तो उसका भी मजा किरकिरा हो जाएगा। मार्केट जाओ और जल्दी से नमक लेके आओ। अरे जवान, सिर्फ मेजर की बात मानता है, बाजार में नहीं बॉर्डर पे जाता है, नमक नहीं गोला बारूद लाता है। इतनी झाड़ू मारूंगी ना कि मिलिट्री मैन का सारा भूत उतर जाएगा। अपनी साइज देखी है? 2x2। ओह नो, तुमसे बड़ा तो मिसाइल का साइज होता है। और हाँ, गलती से ना मिलिट्री कैंप में मत चले जाना, वरना तोप के अंदर डाल के ना तुम्हें छोड़ देंगे तो सीधा पाकिस्तान में गिरोगे। इंसल्ट, देश के जवानों का इंसल्ट, हम तुम्हें कोर्ट मार्शल करवाएंगे। और आज अगर नमक लेके नहीं आए ना तो आज मैं तुम्हारा भूख हड़ताल करवाऊंगी। अरे हड़ताल तो नेता लोग करते हैं, हम मिलिट्री वाले तो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं दुश्मनों के देश में। तड़ता 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 तड़ता। तो ठीक है, करते रहो सर्जिकल स्ट्राइक, चलाओ दुश्मनों पे गोलियां। मैं चली आपके सबसे बड़े दुश्मन अपने बाप के घर। अरे रुको रुको रुको, तुम कहो तो मैं सात समंदर पार कर दूं, आसमान से तारे तोड़कर ला दूं, पर तेरे बाप के घर से तुमको लाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो आ गई अकल ठिकाने। तो अब जाओ और जाके मार्केट से नमक लेके आओ। हाँ। मेरे प्यारे पति, हाँ? आज ना मैं आपके लिए आलू के पराठे बनाई हूँ, वाइन डाल के। हाँ? आलू के पराठे? हाँ। और वाइन मिलिट्री मैन के लिए? अच्छा, आलू के पराठे में कौन सी वाइन डाली हो? अजवाइन। हाँ? अजवाइन। बहुत मजा किया हो तुम, बहुत मजा किया। क्या बात है, किस बात पे भाभी जी इतना जोर जोर से हंस रही हो? बस एक मैंने ही जोक किया था, उसी पे हम दोनों हंस रहे हैं। अरे ये तो खुद एक जोक है, इनकी हाइट तो देखो, 2'4" और सपना 6 फुट के मिलिट्री ऑफिसर बनने का। मेरी हाइट, मेरे सपने का मजाक उड़ाते हो। अरे जहाँ तोप काम नहीं आएगा वहाँ ये सुई काम आएगा। 100% सही बोला, किसी के सपने का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, आप दोनों बैठिए, मैं आप दोनों के लिए चाय बना के। हाँ ठीक है, चलो बैठते हैं। हाँ बैठो। और बताओ कैसे हो भाई? बहुत मजा आ गया चाय पीकर। चाय बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू भाभी जी। अच्छा देवर जी, मैंने जो आपसे कहा था आपने मेरा काम किया कि नहीं? भाभी बोले और देवर ना करे, ऐसा हो सकता है? ओ देवर, ओ भाभी, तुम दोनों आपस में मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हो? खिचड़ी नहीं, बिरयानी बनाने का इंतजाम कर रहे हैं। तेरी साली के लिए लड़का देख रहा हूँ और 3-4 अच्छे अच्छे रिश्ते लेकर आया हूँ। सच? लड़का दिखने में कैसा है और उसकी पगार कितनी है, क्या करता क्या? बस 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 भाभी जी, एक साथ इतने सारे सवाल, मैं आपको एक एक करके लड़कों का नाम और उनके काम बताता हूँ। पहला लड़का है कमलेश चौहान। अच्छा। जो कि इंजीनियर है। वाह इंजीनियर, क्यों जी, अपनी छोटी के लिए कैसा रहेगा? जब तुम्हारे लिए मैं अच्छा हूँ तो साली के लिए सभी लड़के अच्छे होंगे। हाइट कैसी है, इनकी तरह तो नहीं है ना? नहीं नहीं, नहीं भाभी जी, वो तो 6 फुट का हट्टा कट्टा लड़का है। अरे वाह क्या बात है, उसकी कमाई कितनी है? भाभी जी लड़का इंजीनियर है तो पगार 50-60 हजार होगी ही। हाँ लेकिन मेरा पूछने का मतलब ये था कि उसके ऊपर की कमाई कितनी है। ऊपर की कमाई मतलब अंडर टेबल? हाँ जो ऊपर की कमाई होती है। भाभी जी इंजीनियर है वो तो लाखों में ही कमाता होगा। ये एक नंबर वाला तो एकदम बेकार है। चलो दूसरे लड़के के बारे में बताता हूँ। दूसरे लड़के का नाम है करण सिंह और वो मिलिट्री में कैप्टन है। अरे वाह। अरे मेरे यार, ये हुई नंबर दो वाली बात, मिलिट्री में कैप्टन, सैल्यूट सर। बकवास बंद करो, उसकी कमाई कितनी है? अरे देश की सेवा करता है। 40-50 हजार। और ऊपर की कमाई? अरे ऊपर की कमाई क्या, बम मारता है, बम।